क्या आपको पता है कि आप दिल्ली से कोलकाता, आसाम के गुवाहाटी एंड इवन डिब्रूगढ़ तक जमीन पर पैर रखे बगैर सिर्फ एक बोट पर जा सकते हैं। हमारी विशाल रिवर सिस्टम के कारण भारत मैसिव वाटर हाईवे नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। शायद सिमिलर टू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, जहां भारत की 4 मेगा सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया था। भारत 2030 तक 23 डिफरेंट वाटरवेज को पैसेंजर एंड कार्गो मूवमेंट के लिए फुल्ली ओपन भी कर देगा। इंडियन वाटर डेवलपमेंट, रिवर लिंकिंग और सागरमाला प्रोजेक्ट्स के कंबाइन इन्फ्लुएंस के चलते वो समय दूर नहीं जब भारत की ज्यादातर सिटीज एक दूसरे से वाटरवेज द्वारा भी कनेक्टेड होंगी। नॉन कोस्टल स्टेट्स और सिटीज के पास भी रिवर पोर्ट सुविधा अवेलेबल हो जाएगी, जिससे वो ट्रेड के लिए इजीली इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने के लिए रोड, रेल और एयर के अलावा वाटर क्रूज और बोट का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो जानते हैं आखिर क्यों और कैसे भारत अगले कुछ सालों में 45,000 करोड़ से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट से इंडियन वाटरवे नेटवर्क का निर्माण करने की प्लानिंग में है। इन सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स में भारत के अलावा हमारे कई नेबरिंग कंट्रीज नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार भी जुड़े हुए हैं। माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। भारत के पास 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन के अलावा 14500 किलोमीटर लेंथ के टोटल नेविगेबल वाटरवेज है, रिवर्स, क्रीक्स, बैकवाटर्स और कैनाल्स के रूप में। दुनिया का 70% ट्रेड पानी पर ही होता है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता और क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लाइक 1 लीटर फ्यूल में आप सिर्फ 24 टन कार्गो को रोडवे पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उतने ही फ्यूल में रेलवे पर 95 टन एंड वाटरवे पर 215 टन कार्गो को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। उसी तरह 1 टन कार्गो को 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हाईवे पर 2.50 रुपीस का खर्चा आता है, रेलवे पर 1.36 रुपीस का, तो वहीं वाटरवे पर सिर्फ 1.06 रुपीस का ही खर्चा आता है। अब इतने बेनिफिट होने के बावजूद करंटली भारत का सिर्फ 1-2% डोमेस्टिक फ्रेट ही इंडियन वाटरवे द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि करीबन 65% रोड से और 27% डोमेस्टिक फ्रेट मूवमेंट रेलवे से होता है। ये अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें तो यूएस और चाइना में 8% से ज्यादा और यूरोपियन यूनियन में 7% डोमेस्टिक फ्रेट वाटरवे द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। भारत अपने अंडर डेवलप वाटरवेज के कारण डोमेस्टिक ट्रेड के लिए लगभग पूरी तरह रोड और रेलवे पर ही डिपेंडेंट है, जो बहुत महंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर भारत अपने वाटरवेज को अच्छे से यूटिलाइज करे तो हम हर साल लाखों करोड़ रुपयों का लॉजिस्टिक खर्चा बचा सकते हैं, और शायद इसीलिए अब भारत वाटरवेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। 2016 में पार्लियामेंट ने भारत की 106 वाटर बॉडीज को नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया। इससे पहले तक भारत में सिर्फ 5 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल वाटरवेज थे, जिन पर थोड़ा बहुत कार्गो और पैसेंजर मूवमेंट होता था। अब इन नए वाटरवेज के डिक्लेयर होने के बाद भारत में टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हो गए। इन सभी पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो रहा है, ताकि इन्हें जहाजों के मूवमेंट के लिए नेविगेबल बनाया जा सके। ये वाटरवेज भारत की सैकड़ों नदियां, क्रीक्स, एंश्यूरीज और कैनाल्स के नेटवर्क से बनेंगे, जो भारत के 24 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर करेंगे। 2016 में ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम पर नेशनल वाटरवे 1 के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाटरवे टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, और इसी के साथ ट्रायल रन के रूप में 2 वेसल्स न्यूली मैन्युफैक्चर्ड मारुति सुजुकी कार्स को लेकर वाराणसी से वेस्ट बंगाल के हल्दिया पहुंचे। जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन हुआ। ये रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर नेशनल वाटरवे 1 और 2 पर 3200 किलोमीटर के डिस्टेंस में 2 बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आसाम के डिब्रूगढ़ पहुंचती है। करीबन 50 डेज की ये क्रूज जर्नी भारत के 5 स्टेट्स और बांग्लादेश की टोटल 27 रिवर सिस्टम्स के कई टूरिस्ट प्लेसेस का टूर कराती है। अब ऐसा नहीं है कि रिवर या कैनाल ट्रांसपोर्ट कोई नई बात है, बल्कि ये तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे पहला वाइडली यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, हैवी मटेरियल्स के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। हिस्टोरिकली नदियों के आसपास ही ह्यूमन सिविलाइजेशन विकसित हुई है, फिर चाहे वो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदियों के किनारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, नाइल नदी के किनारे एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सिंधु नदी के किनारे हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन या येलो रिवर के किनारे एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन। सेंचुरीज से नदियों का उपयोग ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता आया है। भारत में वाटर ट्रांसपोर्ट का इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ट्रेस किया जा सकता है। सिंधु सभ्यता ने 2400 BCE में गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में एंशियंट
पोर्ट सिटी लोथल का निर्माण किया था और यही मोस्ट प्रोबेबली दुनिया का सबसे पुराना डॉक स्ट्रक्चर भी मिला है जहाँ से शिप और कार्गो हैंडल किया जा सकता था। ये पोर्ट कई हरप्पन टाउन्स को साबरमती रिवर के सहारे अरेबियन सी से कनेक्ट करता था। वहीं सब कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज सेंचुरी से वाइब्रेंट ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज का केंद्र रही है। एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थेनिस लिखते हैं कि 4th century BC से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जल मार्गों से पार की जाती थी और यहाँ समृद्ध इनलैंड नेविगेशन विकसित हुआ था। गंगा, यमुना, घाघरा या सरयू कई कम्युनिकेशन रूट्स का पार्ट थी जो नॉर्थ वेस्टर्न भारत को गंगा के मैदानी इलाकों से होते हुए बे ऑफ बंगाल के ताम्रलिप्ति पोर्ट से कनेक्ट करती थी। मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स ने न सिर्फ गंगा बेसिन में इरिगेशन कैनाल नेटवर्क बनाया था बल्कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिवर सिस्टम का उपयोग बहुत बड़े स्तर पर करते थे। हालांकि सिल्क रोड्स भी मेजर ट्रांसपोर्ट मीडियम थे लेकिन उन्हें मेंटेन करना लाइक रूट की डाकुओं से सुरक्षा, जगह जगह पर पानी के लिए कुएं एंड ठहरने के लिए आश्रय स्थान बनाना, पूरे रूट पर छाव के लिए पेड़ लगाना वगैरह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और मुश्किल था। इसके कंपेयर में रिवर ट्रांसपोर्ट सस्ता और सिक्योर था। मुगल पीरियड के टाइम तक तो रिवर ट्रेड बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो चुकी थी। कश्मीर, लाहौर, मुल्तान और सिंध के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडस रिवर के रास्ते लहरी बंदर तक पहुंचाए जाते थे जहां से वो आगे एक्सपोर्ट होते थे और इसी रास्ते बाहर से इंपोर्ट होते प्रोडक्ट्स इंटीरियर नॉर्दर्न इंडिया में पहुंचते थे। इसी रिवर इन ट्रेड रूट से इंडस बेसिन के कई शहरों को बहुत बेनिफिट होता था। इसी के साथ गंगा बेसिन की चंबल और सोन रिवर्स भी नेविगेबल थी जिससे सेंट्रल इंडिया कैपिटल रीजन आगरा और दिल्ली से कनेक्ट होता था। आगरा से राइस, सॉल्ट, लीड और कॉटन गंगा के रास्ते बंगाल के सदगांव पोर्ट तक पहुंचाया जाता था जहां से वो आगे वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते थे। मिर्जापुर, वाराणसी, पटना और मुंगेर यहां के इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट्स थे। वहीं वेस्टर्न रीजन में मालवा, खानदेश और डेक्कन जैसे बुरहानपुर और उज्जैन के मार्केट प्रोडक्ट्स तापी और नर्मदा रिवर सिस्टम के रास्ते गल्फ ऑफ खंबात के सूरत और भरूच पोर्ट तक पहुंचाया जाता था जहां से उन्हें आगे एक्सपोर्ट किया जाता था। 1800 तक रिवर ट्रांसपोर्ट काफी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी। ब्रिटिश रूल में 1820 के बाद आसाम में टी डिस्कवर हुई और 1830 तक अपर आसाम में बहुत बड़े स्तर पर टी प्लांटेशन होने लगा। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अहोम डायनेस्टी के टाइम से ही ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर्स पर वाटर ट्रांसपोर्ट की लंबी हिस्ट्री रही है मिनरल्स और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ट्रेड के चलते। लेकिन अब टी प्लांटेशन शुरू होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट कई गुना बढ़ गया। चाय ब्रिटिशर्स द्वारा वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंडियन कमोडिटी थी अलोंग विद स्पाइसेस। तो बड़ी मात्रा में ब्रह्मपुत्र वैली से आसामीस टी नदी के रास्ते कोलकाता पहुंचती थी जहां से वो सी रूट से ब्रिटेन तक पहुंचाई जाती थी। अब उस समय भारत में रिवर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता और सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए भारत में रेल इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। 1825 में ब्रिटेन में पहली स्टीम लोकोमोटिव चली थी तभी से वहां रेलवे काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई थी। रेल ट्रांसपोर्ट फास्ट था तो न सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर को कमर्शियल ट्रेड में फायदा होता और भारत के रिसोर्सेज लूटने में आसानी होती बल्कि वो इसे यूज करके ब्रिटिश मिलिट्री को भारत के रिबेलियन अफेक्टेड रीजन्स तक कम टाइम में पहुंचा पाते जिससे वो भारत में हो रहे ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट और विद्रोह को जल्दी दबा पाते। 1832 से 1850 के बीच ब्रिटिश राज में कई जगहों पर स्मॉल डिस्टेंस पर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेम्पररी फ्रेट ट्रेन चलाई गई जिनके ट्रैक्स प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद हटा भी दिए जाते थे। 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पर शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे बंगाल, मद्रास और हैदराबाद में भी रेलवे इंट्रोड्यूस हुई और भारत में रेल नेटवर्क बढ़ता गया। 1860 में जो रेल लाइन सिर्फ 1300 किलोमीटर की थी वो 1880 में 20 गुना बढ़कर 25,500 किलोमीटर हो गई। ज्यादातर लाइन्स इंटीरियर रीजन्स को तीन मेजर पोर्ट सिटीज बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता से कनेक्ट करती थी। शुरुआत में तो रेल ट्रांसपोर्ट रिवर ट्रांसपोर्ट के एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में ही डेवलप हुआ था लेकिन धीरे धीरे दोनों में कॉम्पिटिशन के कारण रिवर ट्रांसपोर्ट डिक्लाइन होता गया। इंडिपेंडेंट के बाद और स्पेसिफिकली 1990s के बाद भारत में रोडवेज मॉडर्नाइज करने का काम शुरू हुआ और आज भारत में टोटल 64 लाख किलोमीटर लेंथ के साथ यूएसए के बाद सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क और 68,000 किलोमीटर लेंथ के साथ दुनिया का 4th largest रेल नेटवर्क है। अब ये सवाल आता है कि अगर भारत में इतना विशाल और सक्सेसफुल रोड और रेल नेटवर्क है तो फिर क्यों भारत करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से वाटर वे भी डेवलप कर रहा है, क्या हमें इसकी जरूरत भी है? तो एक्चुअली इतना बड़ा रोड और रेल नेटवर्क होने के बावजूद वो हमारी पॉपुलेशन के लिए अभी भी सफिशियंट नहीं हो पा रहा है। पिछले एक दशक में भारत में रोड नेटवर्क करीबन 59% ग्रो हुआ है लेकिन इसी टाइम पीरियड में व्हीकल रजिस्ट्रेशन 105% ग्रो हुआ है। मीन्स भारत में व्हीकल डेंसिटी रोड डेंसिटी
इंटेंसिटी के कंपेयर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2019 से 2023 के बीच 2.2 करोड़ न्यू मीडियम और हैवी व्हीकल्स इंडियन रोड्स पर ऐड हुए हैं, यानी हर दिन करीबन 13,000 न्यू व्हीकल्स। और अगर इसमें टू व्हीलर्स को भी जोड़ दे तो संख्या 57,000 न्यू व्हीकल्स पर डे हो जाती है। और जैसे जैसे भारत डेवलप हो रहा है तो फ्यूचर में यह संख्या और बढ़ने का अनुमान है, जिसे इंडियन रोड्स और भी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगी बाई ईच पासिंग ईयर्स। रोड्स भारत का 87% पैसेंजर ट्रैफिक तो झेलती ही है, ऊपर से बहुत महंगा मोड होने के बावजूद भारत का मेजोरिटी 65% फ्रेट भी रोड से ही ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे रोड कंजेशन की पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ जाती है। इंडियन गवर्नमेंट का ये भी गोल है कि जो अभी सिर्फ 27% फ्रेट रेलवे द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है उसे 2030 तक 40% तक ला सके, जिससे रोड्स पर थोड़ा प्रेशर घटे। लेकिन फिर रेलवे भी तो पहले से ही कंजेस्टेड है, दोनों ही पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन को रूट पर इस कंजेशन के कारण कई डिलेस का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए भारत सरकार नंबर ऑफ एक्सप्रेस वेज एंड हाईवेज, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर्स के साथ साथ इंडियन वाटरवेज भी डेवलप कर रही है। वाटरवेज एक सप्लीमेंट मोड के रूप में काम करेगा रेलवे और रोडवे के लिए, जिससे हमारा सिग्निफिकेंट कार्गो वाटरवेज पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, स्पेसिफिकली हैवी कार्गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जिनको ट्रांसपोर्ट करने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। कई जगहों पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी बनाए जाएंगे जो इन तीनों मोड्स को आपस में लिंक करेंगे, जिससे प्रोडक्ट्स को इंटरचेंज करने में आसानी होगी। ऑल इन वन ये भारत के ट्रांसपोर्टेशन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वैसे दूसरे कई देशों ने अपने इंडियन वाटरवेज को इफिशियंटली डेवलप किया है और उन्हें बहुत बड़े स्तर पर यूज भी कर रहे हैं। 1,38,357 किलोमीटर के साथ चाइना के पास दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट नेविगेबल वाटरवे नेटवर्क है। 1978 में चाइना की वाटरवे ट्रेड सिर्फ 358 मिलियन टन थी, वो 2008 में 10 गुना बढ़कर 3.74 बिलियन टन हो गई। चाइना की तीन मेजर रिवर्स यांगसे, येलो और पर्ल तीनों ही ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज की जाती है। दुनिया की सबसे लंबी आर्टिफिशियल नेविगेबल कैनाल भी चाइना में ही है, द ग्रैंड कैनाल, जो बेजिंग को हांगझोउ सिटी से जोड़ती है, विथ लिंकिंग चाइनास टू लॉन्गेस्ट रिवर्स येलो एंड यांगसे। ये पूरा नेटवर्क मोस्ट ऑफ मेजर चाइनीज सिटीज को आपस में और इनलैंड सिटीज को मेजर पोर्ट सिटी से जोड़ता है, जैसे 1.7 करोड़ पॉपुलेशन के साथ चोंगकिंग, शंघाई और बेजिंग के बाद चाइना की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। हालांकि चोंगकिंग कोस्ट लाइन से 2,280 किलोमीटर दूर हिंटरलैंड में है, लेकिन फिर भी ये एक पोर्ट सिटी है। चोंगकिंग रिवर पोर्ट सिटी को यांगसे रिवर के रास्ते सीधा शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट से कनेक्ट करता है। चोंगकिंग पोर्ट चाइना का लार्जेस्ट इनलैंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है। इनफैक्ट सिर्फ यांगसे रिवर पर मौजूद 22 डिफरेंट इंडियन पोर्ट्स हर साल 2.5 बिलियन टन से भी ज्यादा का कार्गो हैंडल करते हैं। उसी तरह यूएसए, यहाँ 40,000 किलोमीटर के नेविगेबल वाटरवेज है, स्पेसिफिकली दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रिवर बेसिन मिसिसिपी रिवर सिस्टम। मिसिसिपी रिवर लुइजियाना स्टेट के न्यू ऑरलियंस पोर्ट सिटी से लेकर 2,897 किलोमीटर दूर मिनेसोटा स्टेट की मिनियापोलिस सिटी तक नेविगेबल है। मिसिसिपी रिवर की ट्रिब्यूटरीज सीवेज द्वारा सीधा ग्रेट लेक्स के साथ अटलांटिक ओशन से भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ये वाटरवेज मिसिसिपी वैली के फार्मर्स के लिए बहुत सस्ता और इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट मोड है। यूएस का 72% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और 60% डोमेस्टिक अनाज ट्रांसपोर्ट इन्हीं वाटरवेज द्वारा होता है। इनके अलावा वाटरवेज यूएस का 22% डोमेस्टिक पेट्रोलियम भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूएस के साथ साथ यूरोप में भी इंडियन वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मोड है, स्पेसिफिकली कई लैंडलॉक यूरोपियन कंट्रीज के लिए। यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर डेन्यूब यूरोप में सबसे ज्यादा कंट्रीज को क्रॉस करती है। ये नदी एंशियंट टाइम से यूरोप का ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट रूट रही है। डेन्यूब के साथ साथ रेन रिवर भी यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट नेविगेबल रिवर है। 171 किलोमीटर लंबी रेन डेन्यूब कैनाल 1992 में बनी थी, जो डेन्यूब को रेन रिवर के ट्रिब्यूटरी मेन से कनेक्ट करती है। इस कैनाल के कारण नॉर्थ सी को रेन रिवर बेसिन के रास्ते ब्लैक सी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। रेन वाटरवेज यूरोप के हाईली डेवलप्ड और इंडस्ट्रियल कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और नेदरलैंड से पास होता है, जो हर साल करीबन 170 मिलियन टन गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है। रशिया में भी नेपर, वीना, डोन, विस्तुला एंड वोल्गा रिवर्स को लिंक करके विशाल वाटरवे नेटवर्क बनाया गया है, जो बाल्टिक सी से दोनों ही ब्लैक सी और कास्पियन सी तक नेविगेशन पॉसिबल बनाता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी रिवर्स नेचुरली नेविगेबल होती है, ज्यादातर रिवर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नेविगेबल बनाना पड़ता है। किसी भी वाटरवे को नेविगेबल बनाने के लिए सबसे जरूरी है चैनल डेप्थ, 2 से 3 मीटर की डेप्थ और 45 से 60 मीटर की विड्थ
स्ट्रेंथ जरूरी होती है ताकि शिप्स आसानी से पास हो सके। अब भारत की ज्यादातर रिवर्स नेचुरली ये नेसेसिटी पूरी नहीं कर पाती। यहाँ की नदियाँ मानसून में एक्सेसिव वाटर के कारण फ्लड्स लाती है, जबकि समर में वाटर लेवल जरूरत से ज्यादा ही घट जाता है। स्पेसिफिकली हमारे पेनिनसुलर रिवर्स जो पूरी तरह रेन वाटर पर डिपेंडेंट है, वाटर वेस्ट के लिए पूरे साल सफिशियंट वाटर लेवल बना रहे इसके लिए कई बैराज बनाने पड़ेंगे पानी स्टोर करने के लिए। 2-3 meters की डेप्थ बनी रहे इसके लिए रूटीनली ड्रेजिंग प्रोसेस भी करनी होगी। ड्रेजिंग प्रोसेस में नदी के तल से एक्सेसिव सेडिमेंट्स और डेब्रिट्स को निकाला जाता है। अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो नेविगेशन चैनल जाम हो सकती है, जिससे यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को नुकसान हो सकता है, स्पेसिफिकली हिमालयन रिवर्स में, क्योंकि ये रिवर्स बहुत ज्यादा मात्रा में पहाड़ों से अपने साथ सेडिमेंट्स और रेत लाती है। नदी के रास्ते में अगर टोपोलॉजिकल डिफरेंस हो तो यहाँ लॉक्स भी बनाने होंगे शिप्स को ऊपर चढ़ाने के लिए और नीचे उतारने के लिए। सभी डैम्स पर भी ये सिस्टम डेवलप करनी होगी। कई रिवर पोर्ट टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट हब भी बनाने होंगे ताकि मटेरियल की लोडिंग अनलोडिंग की जा सके। हालांकि फिर भी वाटरवे का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस रेलवे और हाईवे के कंपेयर में बहुत चीप है। 1 kilometer 2-lane रोड बनाने के लिए एस्टिमेटेड 5.5 crore का खर्चा आता है। सिमिलरली टर्मिनल के बाहर 1 kilometer रेलवे लाइन बनाने के लिए 5 crore का खर्चा आता है, जबकि 1 kilometer फुल्ली एडवांस वाटरवे बनाने के लिए उससे आधा एस्टिमेटेड सिर्फ 2.53 crore का ही खर्चा आता है। इसके अलावा वाटरवेज डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को दूसरे कई सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। भारतीय संस्कृति में नदियों को बहुत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा हमारी नदियाँ रिच बायोडाइवर्सिटी से समृद्ध है। शिप मूवमेंट और ड्रेजिंग एक्टिविटी यहाँ के इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। नदी के मछुआरों को भी इससे समस्या हो सकती है, तो इट इज पॉसिबल कि कुछ रिवर बेसिन की लोकल कम्युनिटीज इन प्रोजेक्ट्स का विरोध करे। ऊपर से नदियों का पानी सिग्निफिकेंटली ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में होता है। अब वाटरवे को नेविगेबल बनाए रखने के लिए यहाँ भी एडिशनल वाटर की जरूरत होगी, तो वाटर मैनेजमेंट में परेशानी आ सकती है। नदियों और कैनाल पर पहले से ही मौजूद पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल कई डिक्लेयर वाटरवेज पर मल्टीपल ओल्ड ब्रिजेस है जिनका वर्टिकल क्लियरेंस कम है, जो बड़ी शिप्स के मूवमेंट में अड़चन पैदा कर सकते हैं। अब रोडवे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि रेलवे और वाटरवे में पॉसिबल नहीं है। इन दोनों मोड में टर्मिनल, स्टोरेज और लोडिंग अनलोडिंग का एडिशनल खर्चा लग सकता है, तो हो सकता है कि कुछ रूट्स पर वाटरवे इतना इफेक्टिव ना भी हो। इसीलिए अथॉरिटी को हर एक रूट की अलग अलग कंडीशन और पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनानी होगी। हालांकि वाटरवे अथॉरिटी एक्चुअली में एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल और बजट इन सभी फैक्टर्स को पूरी तरह ध्यान में रखकर ही वाटरवे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अथॉरिटी ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए वर्किंग विद नेचर का प्रिंसिपल अपनाया है, स्पेसिफिकली गंगा वाटरवे के लिए। गंगा वाटरवे पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाराणसी में काशी टर्टल सेंचुरी और भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। इन सेंसिटिव और प्रोटेक्टेड विस्तारों की वाइल्ड लाइफ वाटरवेज से कम अफेक्ट हो इसके लिए कई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई गई है। लाइक प्रोटेक्टेड एरियाज के पास नेचुरल मटेरियल जैसे बेम्बू से टेम्पररी बंडल्स बनाए जाएंगे जो वाटर फ्लो को चैनलाइज करेंगे, जिससे शिप्स इन एरियाज में एंटर ना हो सके। प्रोटेक्टेड एरियाज में ड्रेजिंग एक्टिविटी कम्प्लीटली बैन होगी। यहाँ शिप्स के लिए स्पीड लिमिट होगी और नॉइस कंट्रोल डिवाइस वाली शिप्स को ही एंट्री मिलेगी। 0 डिस्चार्ज जोन भी होगा ताकि शिप से कोई भी वेस्ट नदी में ना जा सके। वैसे 1986 में ही नेशनल वाटरवे अथॉरिटी को क्रिएट किया गया था ताकि हमारे इंडियन वाटरवे को शिपिंग और नेविगेशन के लिए डेवलप किया जाए। उसी साल गंगा रिवर सिस्टम पर प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर के स्ट्रेच को नेशनल वाटरवे 1 डिक्लेयर किया गया। फिर 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर के स्ट्रेच को नेशनल वाटरवे 2। 1993 में केरला के कोड़िकोड से कोल्लाम के बीच 205 किलोमीटर के बैक वाटर रिवर्स और कैनाल नेटवर्क को नेशनल वाटरवे 3। 2008 में काकीनाड़ा से पुडुचेरी के बीच गोदावरी, कृष्णा और बकीगम कैनाल नेटवर्क के 1095 किलोमीटर के स्ट्रेच को नेशनल वाटरवे 4 और ब्रह्माणी, महानदी और ईस्ट कोस्ट कैनाल के 623 किलोमीटर के स्ट्रेच को नेशनल वाटरवे 5 डिक्लेयर किया गया। अब इन्हें वाटरवे डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन ना ही इन वाटरवेज के डेवलपमेंट के लिए कोई इफेक्टिव पॉलिसीज बनी और ना ही इन पर कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हुआ। इन पर सिर्फ कुछ पैसेंजर फेरीज के अलावा ट्रांसपोर्टेशन लगभग ना के बराबर होता था। 2005 से 2010 के बीच 5 सालों में जहां चाइना ने अपने इंडियन वाटरवेज ट्रांसपोर्ट पर $15 billion का इन्वेस्टमेंट किया, जर्मनी ने 2012 में सिर्फ 1 साल में ही €15 billion का इन्वेस्टमेंट किया, जबकि यहाँ भारत ने 1986 से 2010 यानी 25 सालों में अपने वाटरवेज पर सिर्फ
सिर्फ $200 मिलियन का ही इन्वेस्टमेंट किया। बट 2016 के बाद से वाटरवेज की कंडीशन सुधर रही है। 2017-18 में नेशनल वाटरवे पर 55 मिलियन टन कार्गो ट्रैफिक रजिस्टर हुआ था, वो 2022-23 में 130% बढ़कर 126 मिलियन टन हो गया। वैसे भारत के 111 डिक्लेयर्ड वाटरवेज में से फिलहाल 13 वाटरवेज ऑपरेशनल है, जिन पर कार्गो और पैसेंजर शिप मूवमेंट हो रही है। अब हमारा सबसे पहला वाटरवे सबसे इम्पोर्टेंट वाटरवे बनने वाला है। गंगा बेसिन भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला रीजन है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो स्टेट्स ही भारत की 26% पॉपुलेशन रखते हैं। गंगा बेसिन भारत का सबसे फर्टाइल रीजन है, जो भारत के करीबन 40% फूड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट भारत के टोटल फ्रेट मूवमेंट में से 40% फ्रेट या तो इस रीजन से ओरिजिनेट होता है या तो इस रीजन में सप्लाई होता है। और जैसे कि गंगा बेसिन के ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स लैंडलॉक्ड है, तो फिलहाल इन स्टेट्स में प्रोड्यूस होता कार्गो रोड और रेलवे द्वारा छेक वेस्टर्न इंडिया के गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद वो आगे एक्सपोर्ट होता है। अगर नेशनल वाटरवे 1 फुल्ली डेवलप हुआ तो उत्तर प्रदेश और बिहार का सिग्निफिकेंट कार्गो इस रूट द्वारा वेस्ट बंगाल के कोलकाता और हल्दिया पोर्ट पर डाइवर्ट होगा। इसी के चलते NW1 के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट से 5,369 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट पर काम शुरू है। इसमें 170 करोड़ के खर्च से वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके अलावा 280 करोड़ के खर्च से झारखंड के साहिबगंज में भी मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जाएगा और 360 करोड़ के खर्च से वेस्ट बंगाल के फरक्का में पुराने लॉक को बदल कर नया नेविगेशन लॉक बनाया जाएगा। एडिशनली न्यू डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे 110 दिल्ली को यमुना रिवर से होते हुए प्रयागराज के पास गंगा के वाटरवे 1 से कनेक्ट करेगा। ये रूट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशनल कैपिटल रीजन और एग्रीकल्चरल हरियाणा और पंजाब को कोलकाता पोर्ट से जोड़ेगा, जिससे ट्रेड में आसानी होगी। इसके अलावा चंबल, बेतवा, गंडक, गोमती, घाघरा, सोन, पुनपुन, कोसी और दामोदर नदियों के हिस्सों को भी नेविगेबल बना के डेवलप किया जाएगा, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश भी गंगा वाटरवे नेटवर्क से जुड़ेंगे। और अगर कार्गो मूवमेंट सस्ती और आसान होगी तो गंगा बेसिन में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तेज होगा। नेपाल भी इन वाटरवेज के डेवलपमेंट में काफी इंटरेस्टेड है। लैंडलॉक नेपाल अपने फॉरेन ट्रेड के लिए लगभग पूरी तरह भारत के कोलकाता और विशाखापट्टनम पोर्ट्स पर ही डिपेंडेंट है। गंडक वाटरवेज को नेपाल बॉर्डर तक नेविगेबल बनाने का प्लान है, जिससे नेपाली गुड्स नेत्रवती और गंडक रिवर के रास्ते पटना के कालूघाट टर्मिनल तक पहुंचेंगे और यहां से उन्हें आगे हल्दिया पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। उसी तरह साहिबगंज टर्मिनल के डेवलप होने के बाद कोसी वाटरवेज से भी नेपाल को एक और वाटरवे कनेक्टिविटी मिलेगी। NW1 बांग्लादेशी वाटरवेज द्वारा NW2 से भी कनेक्टेड है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी बराक के 121 किलोमीटर के स्ट्रेच को भी नेशनल वाटरवे 16 डिक्लेयर किया गया है, जो साउथ आसाम को बांग्लादेश के मेघना रिवर सिस्टम से कनेक्ट करता है। बांग्लादेश खुद एक रिवर इन कंट्री है और उसका खुद का करीबन 30% कार्गो मूवमेंट वाटरवेज द्वारा ही होता है। ये डेवलप हो रहे ईस्टर्न वाटरवे ग्रिड से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इवन म्यांमार को भी ट्रेड में फायदा होगा। भूटान ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी मनास रिवर के वाटरवेज का यूज करके क्रश्ड स्टोन्स बांग्लादेश की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट द्वारा नॉर्थ ईस्ट से लाइमस्टोन, सिलिकॉन, पेट्रोलियम और टी को भारत के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने में आसानी होगी और इसी रूट से एसेंशियल प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच सकेंगे, जिसे हमें नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड को भी फायदा होगा। दुनिया में 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर होने के बावजूद दोनों देशों के बीच ट्रेड पोटेंशियल से काफी कम होती है। लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स काफी कंजेस्टेड रहते हैं। लार्जेस्ट चेक पॉइंट पेत्रापोल बेनापोल पर तो ट्रक्स को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कभी कभी मल्टीपल डेज का वेट करना पड़ता है। वाटरवेज से ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में आसानी होगी। भारत का बांग्लादेश में एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, इसी के साथ बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारत से रॉ मटेरियल जैसे कॉटन को इम्पोर्ट करना सस्ता और आसान हो जाएगा। बांग्लादेशी इंडस्ट्री के लिए नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश और बिहार के ह्यूज मार्केट भी खुलेंगे। एक और प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट, जिसे हमें नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और कनेक्टिंग रूट मिलेगा। इसमें म्यांमार की कालादान नदी के वाटरवे को यूज किया जाएगा। सितवे सी पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। कोलकाता से सितवे तक सी रूट डेवलप होगा, फिर सितवे से चीन स्टेट के पालेतवा तक कालादान रिवर पर इनलैंड वाटरवे रूट और फिर इसके आगे पालेतवा को हाईवे द्वारा मिजोरम के कैपिटल ऐजवाल तक कनेक्ट किया जाएगा। ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के वाटरवे ग्रिड के अलावा ईस्टर्न कोस्ट पर दो और बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरवे डेवलप हो रहे हैं, नेशनल वाटरवे 4 और 5।
WW4 काकीनाड़ा से पुडुचेरी के बीच बकिंगहम और दूसरी कैनाल नेटवर्क से बना आर्टिफिशियल वाटरवे है। बकिंगहम कैनाल ब्रिटिश रूल के दौरान बनाई गई थी। ये वाटरवे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर को आपस में कनेक्ट करता है। फिलहाल गोदावरी नदी पर राजामुंद्री से भद्रांचलम डैम तक और कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा से तेलंगाना बॉर्डर के वजीराबाद तक वाटरवे कुछ हद तक नेविगेबल है। इसे पूरा डेवलप करके गोदावरी रिवर पर और आगे भद्रांचलम से महाराष्ट्र के नासिक तक 1184 किलोमीटर और कृष्णा रिवर पर वजीराबाद से कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट तक 628 किलोमीटर के स्ट्रेच को भी नेविगेबल बनाने का प्लान है। गोदावरी और कृष्णा की कई ट्रिब्यूटरीज मंजिरा, भीमा, पेनगंगा, वर्धा और तुंगभद्रा के भी वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा, जिसे मराठवाड़ा, तेलंगाना और नॉर्थ कर्नाटका सीधा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पोर्ट से कनेक्ट होंगे। वहीं NW5 गंगा रिवर डेल्टा के हल्दिया पोर्ट को ईस्ट कोस्ट कैनाल के द्वारा महानदी डेल्टा के पारादीप पोर्ट से कनेक्ट करता है, विथ एक्सटेंडिंग अप टू थलचेर ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट इन ब्रह्माणी रिवर। इस 588 किलोमीटर के वाटरवे स्ट्रेच को 4200 करोड़ से भी ज्यादा के खर्च से डेवलप किया जा रहा है। ओडिशा का अंगुल भारत का थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो भारत का 12% कोल प्रोड्यूस करता है। इस वाटरवे पर कोल ही सबसे इम्पोर्टेंट कार्गो होगा, जो अंगुल से पारादीप और धमरा पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। एस्टिमेशन है कि इस वाटरवे के कंप्लीट हो जाने के बाद हर साल करीबन 23 मिलियन टन कोल यहां से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ओडिशा की सबसे बड़ी नदी महानदी पर भी वाटरवे डेवलप करने का प्लान है। NW64 जो महानदी डेल्टा से 425 किलोमीटर अंदर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के हीराकुड डैम तक होगा। झारसुगुड़ा, संबलपुर और कटक ये तीन मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर इस वाटरवे से जुड़ेंगे और यहाँ की सीमेंट, आयरन, एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्रीज के कारण इस रूट पर भी एनुअली 24 मिलियन टन कार्गो ट्रैफिक जनरेट होने का अनुमान है। तमिलनाडु की भी कई छोटी बड़ी रिवर्स पर वाटरवे डेवलप किया जा रहा है। तमिलनाडु में सबसे लंबा वाटरवे होगा कावेरी रिवर पर, ईरोड के पास उरच्चिकोट्टई बैरेज से बे ऑफ बंगाल कोस्ट तक। ये वाटरवे सालेम, ईरोड, तिरुपुर, कोयम्बतूर इंडस्ट्रियल बेल्ट को कोस्ट लाइन से जोड़ेगा। अब वेस्टर्न कोस्ट के वाटरवे शॉर्ट डिस्टेंस के ही होंगे, क्योंकि यहाँ की नदियाँ ना ही ज्यादा लंबी है और ना ही ज्यादा नेविगेबल वेस्टर्न घाट्स के कारण। हाँ, केरला में बैकवाटर्स, रिवर्स और कैनाल्स का 205 किलोमीटर का नेविगेबल नेटवर्क है। यहाँ ऑलरेडी सिग्निफिकेंट पैसेंजर और कार्गो जैसे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। इसे नॉर्थ में कोट्टापुरम से कासरगोड तक और साउथ में कोल्लाम से तिरुवनंतपुरम तक एक्सटेंड करने का प्लान है। बाकी कोस्टल कर्नाटका, गोवा और कोस्टल महाराष्ट्र के सभी क्रीक्स और रिवर वाटरवेज 100 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस के होंगे, जो इंडस्ट्रियल और मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन्स को कोस्ट लाइन और नजदीकी पोर्ट से जोड़ेंगे। गुजरात की नदियां जैसे साबरमती, मही, नर्मदा और तापी के नेविगेबल वाटरवेज कंपैरेटिवली बाकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स से ज्यादा लंबे होंगे, मोर देन 200 किलोमीटर ईच। यहां सबसे लंबा वाटरवे होगा तापी नदी पर, नेशनल वाटरवे 100, भुसावल महाराष्ट्र के हथनूर डैम से 436 किलोमीटर दूर सूरत के हजीरा पोर्ट तक। वहीं राजस्थान की लूणी जवई रिवर सिस्टम को भी नेविगेबल बनाया जाएगा। ये वाटरवे जोधपुर के पास लूणी नदी पर जसवंत सागर डैम से शुरू होकर रण ऑफ कच्छ की सीजनल लेक से होते हुए अरेबियन सी तक जाएगा। ये वाटरवे राजस्थान के लैंडलॉक साउथ वेस्टर्न मारवाड़ रीजन को सीधा कोस्ट लाइन से जोड़ेगा। वैसे आप कमेंट में बताइए कि आप इस मैसिव वाटरवे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। ये वीडियो आप एंड तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, ये चैनल के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।